दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस कल खेलने जा रहे हैं। कल उनका शाम को 4 बजे मैच है, तो मैं आपको ड्रीम इलेवन ऐप पर यह बताऊँगा कि कौन सी टीम आप चूज़ करें। मैं आपको इसमें दो टीम बताऊँगा, एक बैटिंग ओरिएंटेड और एक बॉलिंग ओरिएंटेड। अगर बैटिंग अगर ख़राब हुई तो बॉलिंग पर आप इसमें निर्भर कर सकते हैं, अगर बॉलिंग आपकी ख़राब होती है तो बैटिंग पर आप निर्भर कर सकते हैं। मैं आपको दो टीम इसमें बताऊंगा और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली ऐसे वीडियोस डालता हूँ, प्लेइंग इलेवन के, ड्रीम इलेवन के, माई टीम इलेवन के। अभी आज मैं आपको ड्रीम इलेवन के बारे में दो टीम बताने वाला हूँ कि किसको लिया किसको ना ले। अभी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विकेट कीपर आ गए हैं, तो हम चूज़ करेंगे क्विंटन डिकॉक और लोकेश राहुल में से। हम चूज़ करते हैं क्विंटन डिकॉक को, क्योंकि केएल राहुल का फॉर्म जो है तो दोनों भी मैच में उन्होंने कुछ रन नहीं बनाए और कीपिंग भी उनकी इतनी खास नहीं है, तो और जो कि क्विंटन डिकॉक बहुत अच्छे फॉर्म में है और कीपिंग भी ज़रा अच्छी कर रहे हैं, स्टंपिंग वगैरह उन्होंने की है। अभी देखते हैं बैट्समैन के बारे में, बैट्समैन रोहित शर्मा का फॉर्म है, रोहित शर्मा कल भी अच्छा खेले थे। गेल का भी फॉर्म है तो मैं गेल को भी चूज़ करूँगा इधर, और इधर मिलर का भी फॉर्म वापस आ चुका है तो मैं इधर ऑप्शन में मिलर को भी रखता हूँ बैटिंग के ऑप्शन में इधर। अभी जो यादव है सूर्य कुमार यादव, तो उनका भी फॉर्म आ चुका है तो इनको भी मैं अभी इसमें इस टीम में सेलेक्ट करता हूँ। अभी ये हमारे होते हैं दो बैट्समैन मुंबई के और दो बैट्समैन किंग्स इलेवन पंजाब के, तो हम ये टीम बनाएंगे बैटिंग ओरिएंटेड। अभी हम इसमें मयंक अग्रवाल को भी शामिल करते हैं क्योंकि मयंक अग्रवाल भी बेहतरीन फॉर्म में है फिलहाल। अभी हमारे पास हो गए 3 बैट्समैन किंग्स इलेवन पंजाब के और 2 बैट्समैन मुंबई इंडियंस के, जबकि हमने विकेट कीपर ऑलरेडी लिया है वो बैट्समैन है। अभी ये 6 प्लेयर हमारे हो गए। अभी हम देखते हैं ऑलराउंडर्स। ऑलराउंडर्स में अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं आजकल, तो हम हार्दिक पांड्या को चूज़ करते हैं इधर। अभी ऑलराउंडर फिलहाल मैं एक ही रखता हूँ। बॉलिंग की तरफ चलते हैं, बुमराह को हम लेंगे। एंड्रू ट्राई का फॉर्म इतना नहीं चल रहा है, मुजीबुर रहमान को चांस मिला नहीं पिछले मैच में, या तक कि मोहम्मद शमी का फॉर्म, इनका भी फॉर्म काफ़ी अच्छा है तो इनको हम चूज़ कर सकते हैं इसमें। अंकित राजपूत को देखिए, उनको भी एक मैच में चांस मिलता है एक मैच में नहीं मिलता है। लासिथ मलिंगा भी अगले मैच में है, लेकिन लासिथ मलिंगा ने लास्ट मैच में एक भी विकेट नहीं निकाला है, तो हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं मिचेल मैकेलेगन को, क्योंकि मैकेलेगन का स्पेल कल बहुत ही अच्छा गिरा है। अभी यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट सिर्फ 7.5 है, तो हमको इसमें अभी एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। इसमें एडजस्ट करने के लिए हमको मोहम्मद शमी को निकालना पड़ेगा यहाँ से, और अभी जबकि ये टीम हमको बैटिंग ओरिएंटेड बनानी है तो बॉलर हमको कम ही लेना है इसमें। अभी हम चूज़ करते हैं, ठीक है, मोहम्मद शमी को हम रखते हैं इधर, और एक ऑलराउंडर देखते हैं। ऑलराउंडर भी जो है तो हाँ गाइस, अभी यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को निकल कर हम युवराज सिंह को लेते हैं, क्योंकि युवराज सिंह बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं आजकल, और वो अगली मैच में बहुत ही अच्छा धमाका कर सकते हैं। पहली मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छी 50 मारी थी, और कल भी उन्होंने 23 रन निकाले थे, लगातार 3 छक्के मारे थे उन्होंने चहल को, युजवेंद्र चहल को। अभी देखते हैं, हमने युवराज सिंह को इधर ले लिया है तो हमारे पास अभी 8 पॉइंट बचे हैं। हाँ, इधर विजुलोन का एक ऑप्शन है, विजुलोन को हम ले सकते हैं, विजुलोन या फिर चक्रवर्ती। मुझे लगता है कि विजय विल जोन को हम ले सकते हैं, विल जोन को। अभी हमारे पास 4 बॉलर हो गए, मुंबई के 2 बॉलर और पंजाब के 2 बॉलर, तो ये टीम मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो कि आप ये टीम सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। विकेट कीपर देखिए, एक बार फिर से नज़र डालते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाना चाहिए इस टीम में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कैप्टन गेल को कीजिए, क्योंकि गेल अगर चल गया ना, गेल स्टॉम, तो आपकी आपका ड्रीम इलेवन में सोना है पूरा गेल अगर चल गया तो। और वाइस कैप्टन मैं आपको बताऊँगा कि वाइस कैप्टन कीजिए डेविड मिलर को, क्योंकि डेविड मिलर भी इनफॉर्म है पूरे, तो ये एक टीम के साइड के वाइस कैप्टन और कैप्टन हो गए। अभी मैं आपको जैसे कि पूरी टीम दिखाता हूँ, क्विंटन डिकॉक, क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मिचेल मैकेलेगन, मोहम्मद शमी एंड
विलजन, तो ये हमारी बेहतरीन टीम हो गए, ये हमारी फर्स्ट टीम है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि किसे कैप्टन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अभी इसमें जो हमने गेल को कैप्टन किया इसको लेकर आपका क्या क्वेश्चन है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और या फिर डेविड मिलर के बारे में भी आपको कुछ डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर मैं और एक ऑप्शन देना चाहूँगा आपको, अगर आप क्रिस गेल को कैप्टन नहीं बनाना चाहते तो आप कैप्टन बनाइए मयंक अग्रवाल को और वाइस कैप्टन रखिए डेविड मिलर को। क्रिस गेल या मयंक अग्रवाल, ये आपके पास दो ऑप्शन है। मैंने इसमें केएल राहुल को शामिल नहीं किया है जो कि अभी इन्फॉर्म नहीं है, तो उन पर अभी दो मैच का प्रेशर रहने वाला है कि दो मैच में उन्होंने कुछ भी रन नहीं निकाले तो करके वो प्रेशर उनके ऊपर लाजमी है और वो प्रेशर उनके ऊपर बना रहेगा। ओके, अभी हम देखते हैं सेकंड टीम जो कि बॉलिंग ओरिएंटेड है। तो दोस्तों देखिए, अभी ये टीम हमारी कंप्लीट हो गई है, मैं इस टीम को सेव करता हूँ मेरे इसमें। ओके, इस टीम को मैंने सेव कर लिया, अभी मैं लेता हूँ सेकंड टीम इसमें। ये देखिए, अभी हमको टीम बनानी है बॉलिंग ओरिएंटेड, तो अभी बॉलिंग ओरिएंटेड टीम हमें बनानी है, तो हम इसमें भी क्विंटन डिकॉक को ही शामिल करेंगे क्योंकि विकेट कीपर हमारा स्ट्रांग ही चाहिए कभी भी। अगर आपको अच्छी रैंक इसमें पानी है तो ड्रीम इलेवन में, अगर आपकी रैंक इस वीडियो को देखकर अच्छी आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी रैंक क्या आई है और किस किस प्लेयर को आपको ज़्यादा पॉइंट मिले हैं, तो वो मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट में बाद में। अभी देखिए, इसमें मैं लूँगा रोहित शर्मा को, क्रिस गेल को और सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने जो क्रिकेटिंग शॉट लगाए हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट्स हैं इनके। डेविड मिलर को हम ऑप्शन में रखते हैं, उनका भी अच्छा फॉर्म है लेकिन उनको हम अभी ऑप्शन में रखते हैं। अभी बॉलिंग ओरिएंटेड मींस इसमें अभी ऑलराउंडर में भी दो हमको प्लेयर लेने होंगे, क्योंकि दो प्लेयर मींस वो बॉलिंग भी करेंगे, बॉलिंग ओरिएंटेड अगर रहेंगे तो। अभी हार्दिक पांड्या को हम इसमें शामिल करते हैं, और अश्विन एक ऑप्शन है बेहतरीन हमारे पास, लेकिन हम कृणाल पांड्या के पास जाएंगे क्योंकि कृणाल पांड्या स्पिन कर सकते हैं। अभी बॉलिंग में जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जसप्रीत बुमराह है हमारा एक फर्स्ट ऑप्शन, जसप्रीत बुमराह को हमको लेना ही है, और मोहम्मद शमी को लेना है हमको, और बाद में हम ले सकते हैं विलजन को, तो विलजन भी हमने लिया है। और एक बॉलर हमको चाहिए, और दो बॉलर हमको चाहिए क्योंकि पांच बॉलर है इसमें हमको करना है। अभी मैकेलगन को हम ले सकते हैं इसमें, हम मैकेलगन को लेंगे, विलजन को लेंगे, जो कंफर्म बॉलर है ना हम उनको लेने वाले हैं। मुजीबुर रहमान के चांस बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मुजीबुर रहमान ने पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, तो हम मुजीबुर रहमान को लेते हैं। अभी हमारे पास देखिए विकेट कीपर है, बैट्समैन है, ऑलराउंडर ये पांड्या ब्रदर्स हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, और बॉलिंग में हमारे पास है जसप्रीत बुमराह, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद शमी, मिचेल मैकेलगन और विलजन। तो दोस्तों, और जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ये मैच जो है तो मोहाली में है, और मोहाली की पिच जो है तो बैटिंग पिच है, एक्सट्रीमली बैटिंग पिच है वो, तो वहाँ पर आपको जो मैंने पहली टीम बताई है तो वो आपको ज़्यादा लाभ दे सकती है। अगर वो टीम नहीं चलती तो ये टीम आप ऑप्शन में रख सकते हैं, आप ड्रीम इलेवन में दो से लेकर छः तक टीम बना सकते हैं, पाँच छः तक। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बैटिंग ओरिएंटेड टीम आप फर्स्ट ले, और सेकंड टीम शायद आपको अगर चूज़ करना है तो ये ले और कंटेस्ट ज्वाइन कीजिए। अभी इसमें मैं आपको प्रीव्यू बताऊँगा, टीम प्रीव्यू क्या है। अभी इसमें कीपर हमने दोनों भी टीम में सेम रखे, क्विंटन डिकॉक। अभी क्रिस गेल भी है उसमें, रोहित शर्मा भी है, सूर्य कुमार यादव भी है। अभी इसमें जो है तो बैट्समैन हमारे पास ऑलराउंडर को कंसीडर करके सिक्स बैट्समैन है, और बॉलर भी हमारे पास पांच हो गए। मीन्स ये कम्प्लीटली बैलेंस टीम है, ये टीम भी आपको बहुत फ़ायदा दिला सकती है, जबकि हमने बॉलर कम लिया है पहली टीम में। और बॉलर कम लिया मतलब वो जो बॉलर फील्डिंग करेंगे, थ्रो मारेंगे, तो उसके पॉइंट उसमें कंसीडर नहीं होंगे। अगर इसमें पांच बॉलर है तो ये बॉलर फील्डिंग करने वाले, कैच लेने वाले, तो इसका भी इसमें एडवांटेज रहता है। तो मैं आपको और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैप्टन आपको किसको करना है। अभी हम इसमें
बॉलर को भी कैप्टन कर सकते हैं। अगर जसप्रीत बुमराह का फॉर्म चल रहा है तो वो विकेट लेकर दे सकते हैं, तो हम कैप्टन जसप्रीत बुमराह को कर सकते हैं और वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या को कर सकते हैं, या फिर कैप्टन हार्दिक पांड्या को जो कि बॉलिंग बैट्समैन बैटिंग दोनों भी करेंगे, और फिर वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह को, या फिर मैं आपको और थर्ड चॉइस देता हूँ, अगर आपको नहीं करना तो आप रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन कर सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा पे निर्भर मत रहेगा आप, क्योंकि वो कभी कभी चलते हैं और कभी कभी उनका फॉर्म एकदम डाउन हो जाता है, तो आप रोहित शर्मा पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। क्रिस गेल पर आप कर सकते हैं, लेकिन क्रिस गेल का सामना बुमराह से होने वाला है, बुमराह उनको निकाल सकता है, बुमराह उनकी विकेट ले सकता है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हार्दिक पांड्या को कैप्टन रखें और वाइस कैप्टन रोहित शर्मा करोगे। या फिर फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ये है, लास्ट ऑप्शन, आप कैप्टन डी कॉक को रखें और वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को रखें, ये बेस्ट हो सकता है आपके लिए। अभी मैंने इसमें चार ऑप्शन बता दिए, अगर आपको आपकी और कुछ क्यूरियस है इस टीम को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्यूरी क्या है इसमें, और कैप्टन के बारे में कुछ है या फिर वाइस कैप्टन के बारे में कुछ है या फिर पिच कंडीशंस के बारे में कुछ है, और आपको और कौन सी जानकारी चाहिए इसमें वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले वीडियो में वो जानकारी आपके लिए पोस्ट करूँगा वीडियो। ओके, तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो डालते रहता हूँ जो आपके काम आए, जिसमें आपका फ़ायदा हो, जिससे आप पैसे कमा सके, मैं ऐसे ही वीडियो डालते रहता हूँ, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, उनको भी पैसा कमाने दीजिएगा, और हमको वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का, तो वो ज़रा आप ख्याल में रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना शेयर करते आता है उतना। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, और आपको ऑल द बेस्ट, और आपके पॉइंट्स मुझे बताइएगा कितने कितने पॉइंट्स आपको मिले हैं, थैंक यू।